जनपद में अभी से ही फेस्टिव सीजन दिवाली और धनतेरस से पहले बाजार सजकर तैयार हो गया है। आपको बता दें कि महानगर में बर्तन की दुकान और ज्वेलरी की दुकानों पर इस दिवाली में नई किस्म के आइटम रखे गए हैं, जिसके संबंध में बर्तन दुकानदार रोहित गुप्ता ने बताया कि दुकान पर कस्टमर आ रहे हैं, अभी केवल सामान के बारे में बस जानकारियां ले रहे हैं, अभी खरीदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरा उम्मीद है कि इस धनतेरस में लोग अच्छी खरीदारी करेंगे। उन्होंने कहा कि दिवाली में स्टील, पीतल, तांबा, फूल के बर्तन उपलब्ध हैं, फूल और तांबे के बर्तन की ज्यादा डिमांड है। उन्होंने कहा कि बर्तन मुंबई, मुरादाबाद, हाथरस, हापुर, चेन्नई से मंगाया जाता है। वहीं सर्राफा व्यवसायी संजय अग्रवाल ने बताया कि इस दिवाली में सोने का रेट 3000 प्रति 10 ग्राम के करीब कम हो गया है, जिसकी वजह से कस्टमर इस दिवाली में ज्यादा उत्साहित हैं, जिसकी वजह से ज्वेलर्स की दुकानों में भीड़ चल रही है और धनतेरस दीपावली में ज्यादा से ज्यादा ज्वेलरी सेल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि चांदी और डायमंड कस्टमर की ज्यादा डिमांड है। वहीं वैभव सर्राफ ने बताया कि इस दिवाली पर चांदी और सोने का दाम काफी घटा हुआ है, तो ग्राहक हर वैरायटी के सामान खरीद रहे हैं। उन्होंने बताया कि युवाओं में ज्यादातर डायमंड ज्वेलरी की डिमांड है। कस्टमर की ज्यादातर डिमांड 25,000 से 50,000 तक के रिंग, मंगलसूत्र, चेन और 1 से 2 लाख तक के डायमंड की भी मांग है। उन्होंने कहा कि इस दिवाली में स्पेशल ऑफर भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें 20% डिस्काउंट है और हर 50,000 की खरीद पर लकी ड्रॉ के लिए कूपन दिया जा रहा है, जिसके साथ बलेनो कार तक जीतने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस दिवाली में हमारी शॉप में सबसे ज्यादा यूनिक सोने की गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि दिवाली और धनतेरस में लोग जमकर खरीदारी करेंगे, पूरा विश्वास है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बर्तन व्यापारी रोहित कुमार गुप्ता एवं सर्राफा व्यापारी संजय अग्रवाल तथा वैभव सर्राफ ने कहा, नीचे नहीं चलता है।
बढ़ा कि घटा? थोड़ा सा घटा है मैम, बस 50 रुपये। रोहित कुमार गुप्ता, कहाँ पे आपको दुकान? टाउन हॉल स्टील कॉर्नर। क्या दिवाली का पर्व है, क्या कस्टमर आ रहे हैं बर्तन पूछने के लिए? तो आ ही रहे हैं अभी, बाकी जानकारी ले रहे हैं कस्टमर उसके बाद। और खरीदने के लिए? खरीदने की तो अभी ऐसा कुछ बाजार में दिख नहीं रहा है, लेकिन ये उम्मीद है कि इस बार खरीदारी अच्छे तरीके से लोग करेंगे। कस्टमर आ रहे हैं? हाँ कस्टमर आ रहे हैं, पूछते हैं, सब कुछ करते हैं, बाकी जानकारियाँ ले रहे हैं। किस किस तरह के बर्तन आपके पास है? स्टील से लेके फूल पीतल बर्तन सारे बर्तन हैं। क्या दिवाली में कुछ खास नया है? फूल के बर्तन और तांबे के बर्तनों की डिमांड कुछ ज़्यादा है, और स्टील के बर्तन तो शुरू से ही चले आ रहे हैं अपने प्रचलन में, जिसमें कि कस्टमर की उमंग और त्यौहार को देखते हुए। अधिकतर बर्तन कहाँ से आते हैं? अधिकतर बर्तन हम लोगों का मुंबई, मुरादाबाद, हाथरस, हापुड़, अहमदाबाद, चेन्नई से आते हैं। मेरा नाम संजय अग्रवाल है, मेरी परंपरा जेम्सन ज्वेल्स गुलघर में ज्वेलरी की शॉप है। सबसे पहले तो मैं पूरे शहर वासियों को, देशवासियों, प्रदेश वासियों को दिवाली और धनतेरस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और ये दिवाली ज्वेलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करेंगे तो ज्वेलरी का मार्केट में सोने का रेट लगभग 3000 रुपये 6 महीने में गिर गया, जिसकी वजह से जो ख़रीदार हैं बहुत उत्साहित हैं, और उत्साहित होकर लगातार हम लोग के यहाँ अच्छी भीड़ चल रही है और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। धनतेरस दिवाली भी हम लोगों को बहुत अच्छा सेल होने की हम लोगों को संभावना है, जिसके लिए हम लोगों ने पूरी प्रिपरेशन की हुई है। जगह जगह से जो स्टॉक हैं वो मंगाया गया है। और आजकल अगर हम बात करें तो चांदी की ज्वेलरी भी बहुत डिमांड में है, डायमंड की ज्वेलरी डिमांड में, और सोने की ज्वेलरी की बात करें तो एंटीक ज्वेलरी भी बहुत डिमांड में। साथ साथ जो ज्वेलरी का, चूँकि आजकल ज़्यादा लोग पसंद करते हैं कि हैवी लुक रहे और लाइट वेट रहे, मतलब देखने में काफ़ी बड़ी ज्वेलरी रहे और लेकिन उसका वजन कम हो, इस तरह की ज्वेलरी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। और हम लोग का तो लगातार बहुत अच्छा मार्केट है, बहुत अच्छा सपोर्ट है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गोरखपुर को कि इस इतना अच्छा सपोर्ट हम लोग को मिल रहा है। और धन्यवाद देना चाहूँगा आपके इस न्यूज़ चैनल को जिन्होंने मेरा ये इंटरव्यू लिया, और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम वैभव सराफ है और मैं आशीर्वाद जेम्स एंड ज्वेल्स में डायरेक्टर हूँ। मेरी तरफ से गोरखपुर वासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। इसमें दिवाली में क्या खास है कस्टमर के लिए? जी, जैसे दिवाली पे इस बार सोने का भाव काफ़ी घटा हुआ है, चांदी का दाम भी काफ़ी गिरा हुआ है, तो इसमें ग्राहक हर तरह की वैरायटी बहुत ज़्यादा धूम से ख़रीद रहे हैं, एंटीक वैरायटी, टेंपल वैरायटी। हम लोग ने इस बार सोने में भी गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति मंगवाई है, उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। टेंपल ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी की भी बहुत ज़्यादा डिमांड हम लोग ने देखी है, खास करके युवाओं में डायमंड की बहुत अच्छी डिमांड आई है। ज़्यादा किस तरीके
डिमांड है लोगों की? ज़्यादातर डिमांड जो आ रही है वो डायमंड ज्वेलरी की आ रही है, रिंग्स, इयर रिंग्स, मंगलसूत्र 25,000 से 50,000 की रेंज वाले, नेकलेस 1.5 लाख से 2 लाख में डायमंड के, बहुत अच्छी डिमांड है इनकी। हम लोग के यहाँ पे इस समय स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, 20% डिस्काउंट है मेकिंग चार्जेस पे, डायमंड के दाम पे 20% डिस्काउंट है, और हर 50,000 की खरीद पे लकी ड्रॉ के लिए हम लोग कूपन भी दे रहे हैं जिसमें 7 बलिनों जीतने का मौका है। सर क्या है इस दिवाली में, क्या यूनिक है सबसे अलग जी? इसमें हम लोगों ने जो गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति बनवाई है सोने में बनवाई है, नॉर्मली चांदी में होती है, सोने में बनवाई है, वो एकदम यूनिक है, छोटी सी है, आप अपने लॉकर में रख सकते हैं, आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, सेफ है एकदम वो वाली, उसकी बहुत अच्छी डिमांड है।